नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप राहुल तेवतिया को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर राहुल तेवतिया को लेकर बड़ा बयान दिया है और साथ ही में उनके वो मुरीद हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल तेवतिया ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में राशिद खान के एक ही ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर उनका गेंदबाजी आंकड़ा खराब कर दिया था। आकाश चोपड़ा ने कहा कि जिस तरह राहुल तेवतिया ने राशिद खान को खेला उससे उन्होंने बता दिया कि वो कितने स्पेशल प्लेयर है। आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले का एनालिसिस किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद ही खराब रही लेकिन युवा खिलाड़ियों ने मैच को जिता दिया। उन्होंने कहा जब राजस्थान रॉयल्स की टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो सनराइजर्स ने उनके 3 विकेट जल्दी जल्दी चटका दिए। सबसे पहले ओपनिंग करने आए बेन स्टोक आउट हुए, उसके बाद कप्तान स्टीव स्मिथ भी रन आउट हो गए और फिर जॉस बटलर भी चल दिए। उनके 3 अहम विदेशी खिलाड़ी आउट हो चुके थे, ऐसे में जिम्मेदारी युवा खिलाड़ियों और रोबिन उथप्पा पर थी। युवा खिलाड़ियों ने खूब एंटरटेनमेंट किया। राहुल तेवतिया और रियान पराग की बैटिंग काफ़ी ज़बरदस्त रही। इन खिलाड़ियों ने राजस्थान को वो मैच जिताया जिसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो जीत पाएंगे। आकाश चोपड़ा के मुताबिक राहुल तेवतिया राजस्थान रॉयल्स की इस जीत में गेम चेंजर साबित हुए। उनके मुताबिक जिस तरह पारी के 18वें ओवर में उन्होंने राशिद खान को खेला वो वाकई में उनको खास प्लेयर बनाता है। उन्होंने कहा सब कुछ तो ठीक है लेकिन राशिद खान के 18वें ओवर में जिस तरह राहुल तेवतिया ने बैटिंग की वो जबरदस्त था। पहली बॉल पर रिवर्स स्वीप के जरिए चौका लगाया, दूसरी गेंद पर एक और रिवर्स स्वीप और तीसरी गेंद पर उससे भी बढ़िया शॉट। तीसरी गेंद पर लगाया गया चौका सबसे बेहतरीन था। अगर दबाव के अंदर आप इतने बेहतरीन शॉट खेल सकते हैं तो फिर आप एक स्पेशल खिलाड़ी है। तो दोस्तों आप राहुल तेवतिया की इस गेम चेंजिंग पारी के लिए उन्हें 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे, आप हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।